बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग थ्री लेटर वर्ड्स लिख रहे है ना। हमने पिछली क्लास में तीन नए थ्री लेटर वर्ड सीखे थे, आज और तीन सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग हर बार की तरह अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और फिर उसमें ऐसे लाइन बना लेंगे ताकि जल्दी से हम नए वर्ड सीख सके, है ना। हमने बहुत सारे वर्ड सीखे, थ्री लेटर वर्ड्स, है ना। हमने पहले टू लेटर वर्ड सीखे थे, फिर सेंटेंस सीखे और आज थ्री लेटर वर्ड सीख रहे हैं। तो अभी हम थ्री लेटर वर्ड्स में लिखना शुरू करेंगे। आज तीन नए वर्ड सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखती हूँ, आपको पहले पढ़ना है, समझना है, फिर अपनी बुक में कॉपी करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं पहला वर्ड लिख रही हूँ, म म द द म द द मदद मतलब हेल्प। म द द मदद मतलब हेल्प। किसी को हम कोई काम के लिए या कुछ भी चीज के लिए कुछ हेल्प करते हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मदद, मदद, ठीक है। फिर से लिखते हैं एक बार, म द द। ऊपर एक स्लिपिंग लाइन बना देनी है। क्या लिखा मैंने? म द द मदद। कैसे पढ़ेंगे? म द द मदद। समझ में आ रहा है ना कैसे पढ़ना है? म द द मदद। फिर से एक बार देखते हैं, म द द मदद हो गया। कैसे लिखना है? म द द मदद। फिर से लिखते हैं, म द द। ऊपर सीरो रेखा यानी कि स्लिपिंग लाइन, म द द मदद हो गया। फिर एक बार देख लो, म द द मदद। कैसे लिखना है समझ आ रहा है? म द द मदद। क्या पढ़ेंगे इस लेटर को? म द द मदद। तो ऐसे ही हम पूरा लाइन नीचे नीचे फिनिश कर देंगे और बोल बोल के ही ये वर्ड लिखना है। क्या लिखा है फिर से एक बार समझ लो, म द द मदद। कैसे पढ़ेंगे? म द द मदद। ऐसे ही पूरा लाइन बोल बोल के फिनिश कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मैं लिख रही हूं, भ ग त भगत। क्या लिखा मैंने? भ ग त भगत। भगत कौन होता है? जो प्रेयर करता रहता है भगवान को या भगवान का नाम लेता रहता है पूरा दिन, उसको क्या कहेंगे? भगत। फिर से एक बार लिखते हैं, भ ग त भगत। भगत है ना, इजी। भगत भगत हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लाइन में वही लिखेंगे। फर्स्ट हमने क्या सीखा? म द द। और फिर हम दूसरा कौन सा वर्ड लिख रहे हैं अभी? भ ग त
भगत भगत। नेक्स्ट लाइन फिर से वही वर्ड भगत भगत भगत। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है? भगत भगत। फिर से एक बार भगत भगत। फिर से पढ़ेंगे भगत भगत। है ना इजी इजी वर्ड्स। फिर से पढ़ेंगे भगत भगत। तो ये दूसरा वर्ड भी हम ऐसे ही बोल बोल के पूरी लाइन में फिनिश कर लेंगे ताकि अच्छे से पढ़ना आ जाए। तो ये दूसरा वर्ड कौन सा सीखा हमने? भगत भगत हो गया। एक सीखा म द द मदद, दूसरा सीखा भगत भगत। इसके बाद थर्ड वर्ड न र म। क्या लिखा? न र म नरम। नरम मतलब सॉफ्ट। फिर से एक बार पढ़ेंगे न र म नरम। फिर लिखते हैं एक बार न र म नरम। है ना इजी। एक एक लेटर पढ़ेंगे और फिर उसको साथ में पढ़ लेंगे तो आसानी से वर्ड पढ़ना आ जाएगा। न र म नरम। फिर एक बार न र म नरम। न र म नरम। फिर एक बार देख लो न र म नरम। क्या लिखा? न र म नरम। पढ़ने और समझने में आ रहा है आप लोगों को? कैसे लिखना है? न र म नरम। धीरे धीरे एक एक लेटर ही पढ़ेंगे फिर तीन लेटर साथ में तो हमें वर्ड अच्छे से पढ़ने आ जाएंगे। ठीक है फिर एक बार देख लेते हैं न र म न र म नरम। क्या लिखा? न र म नरम। ये खास याद रखना है आप लोगों को कि तीनों लेटर्स पे एक ही स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। हम थ्री लेटर वर्ड लिखते हैं जब भी तो तीन अक्षर लिखते हैं ना, एक दो तीन। यहाँ पे भी एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीन तीन अक्षरों को ज्वाइंट करते हैं और एक वर्ड बनाते हैं, है ना। तो जब भी ये तीन वर्ड ज्वाइंट करके एक वर्ड बनाते हैं ना, तीन लेटर्स को ज्वाइंट करके एक वर्ड बनाते हैं ना, तो ऊपर एक ही स्लीपिंग लाइन बनानी है। ठीक है एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनानी है। समझ आ गया? तीनों लेटर्स के ऊपर स्लीपिंग लाइन एक की बनानी है, आधी आधी नहीं बनाएंगे। ठीक है तो ये कौन सा वर्ड सीखा आज? न र म नरम। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फिर आप पढ़ के बोल के अपनी बुक में कॉपी करेंगे। पहले से शुरू करेंगे म द द मदद। एक बार
म द द मदद। दूसरा ह ग त भगत। भ ग त भगत। न र म नरम। न र म नरम।